बरेली अस्पताल को शासन पहले स्वस्थ करे, चिकित्सालय स्वस्थ होगा तो मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। जिला अस्पताल पहुंचकर जानलेवा बुखार से पीड़ित मरीजों का हाल चाल लिया। जनसेवा टीम के सदस्यों ने इमाम हुसैन की याद में मरीजों को फल वितरण किया और मरीजों के स्वस्थ होने के लिए दुआ की। आज जनसेवा टीम ने जिला अस्पताल का दौरा किया। इससे पहले मरीजों की शिफात के लिए जुमे की नमाज के बाद मस्जिद नौमहला, कोतवाली की मोती मस्जिद आदि में खुसूसी दुआ की गई। पूर्व मंत्री हाजी अताउर रहमान के नेतृत्व में टीम जिला अस्पताल पहुंची। मरीजों के साथ साथ गाय को भी फल बिस्कुट हाजी अताउर रहमान ने खिलाए। इस मौके पर पूर्व मंत्री हाजी अताउर रहमान ने कहा कि हम सभी मरीजों के लिए दुआ करते हैं कि सब स्वस्थ रहे और राज्य सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो जिला अस्पताल को भी स्वस्थ करे ताकि 50 लाख आबादी वाले जिले को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके और गंभीर मरीजों को दिल्ली लखनऊ की दौड़ न लगानी पड़े। जनसेवा टीम के महासचिव हाजी साकिब रजा खान ने कहा कि बुखार से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है पर शासन जिला अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर पाया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की तर्ज पर बरेली के अस्पताल में एम्स जैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। बरेली एक बड़ा शहर है। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने कहा कि जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। जिले भर के मरीज यहां आते हैं पर उनका इलाज करने में जिला अस्पताल असक्षम है। वो इसलिए कि यहां न तो एमडी डॉक्टर है, नहीं न्यूरो न न्यूरोलॉजी और दवाइयां भी वही हैं। दवाइयां अच्छी से अच्छी उपलब्ध होनी चाहिए, जो दवाइयां होती हैं जिससे गंभीर मरीजों को लाभ न मिल पाता है। सरकार को जरूरत है कि अस्पताल में जो कमियां हैं उनको पूरा करे ताकि बरेली के लोगों को अस्पताल में शिफा मिल सके। इस मौके पर साकिब रजा खान, अरविंद यादव, डॉ अमित सक्सेना, निक्की वर्मा, डॉ सीताराम राजपूत, निहाल खान, खालिद खान जहरी, मोहसिन इरशाद, हाजी यासीन कुरैशी, सैयद गयूर, राजू शर्मा, फरमान खान आमी। आज हम लोग हॉस्पिटल आए थे घूमने के लिए और हम लोगों ने वैसे तो फल वितरण भी किया है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज बाहर पड़े हुए हैं, फाइल कंप्लीट हो गई है लेकिन उसके बाद भी एडमिशन नहीं हुआ और दवाएं हैं नहीं। लोग बता रहे हैं दवाएं नहीं मिल रही और पेशेंट का बेचारे को बुरा हाल है और यहाँ ना एमडी है ना डॉक्टर हैं, कुछ है ही नहीं। न्यूरोसर्जन भी नहीं है। कुछ मिनिस्टर यहाँ आए, कमियाँ उन्होंने मानी लेकिन जनता को उनके मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जनता को फ़ायदा तब होगा जब यहाँ की व्यवस्थाएँ ठीक हैं। यहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं, ना दवा है ना कुछ नहीं है। तो हमारी तो यही मांग है कि यहाँ पर सब परेशान नहीं की हालत में ही आते हैं, यहाँ कोई अच्छा आदमी नहीं आता है। यहाँ सब परेशान होकर आते हैं जिसको बीमारी होती है और जो बेचारा गरीब होता है, यहाँ ज़्यादातर गरीब। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पर जो बदहाली है, जो दवाएँ नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, इन सब की मरीजों की बददुआएँ इन्हें लग रही हैं, इसीलिए इनसे व्यवस्थाएँ नहीं समझ रही हैं। मैं कहना चाहता हूं गरीबों की, मरीजों की ये बदवाएं ना लें, अच्छा इंतज़ाम कर दें जिससे गरीब आदमी को सुविधाएं मिले। मुहर्रम का महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर इमाम हुसैन की याद में आज हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आकर यहां पर बुखार के जितने भी मरीज़ थे और जितने मरीज थे उनके लिए फल फ्रूट और बहुत सारी चीज़ें उन्हें ज़रूरत की दी हैं। और आज नमाज, जुमे की नमाज के बाद में हम लोगों ने मस्जिद में दुआ भी की है। इंशाअल्लाह ताला जो भी यहाँ पर लोग बीमार हैं उन सबको शिफा मिलेगी